गुड मॉर्निंग गाइस टू माय न्यू डे व्लॉग। तो भाई टाइम हो रहा है आई गेस 8 बज गए होंगे, आज थोड़ी हमको लेट हो गई है। टाइम देख लेते हैं हम, फिर भी 7:53, हाँ मतलब ऑलमोस्ट 8 ही बजने वाले हैं। तो यार कहीं जा तो पा नहीं रहे हैं, थोड़ा ऐसे ही है, सब भी ढीली चल रही है। तो यार मैं अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, देखेंगे बाहर जा सकते हैं या नहीं, बट फिलहाल के लिए तो थोड़ा बहुत सामान वगैरह मंगाते हैं। यार भूख वगैरह लग जा रही है क्योंकि प्रॉपर खाना मैं तमीज से खा नहीं रहा हूँ, तो फालतू यू नो स्नैक्स मैगी वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा है रूम पे, तो बाहर जाने की हिम्मत नहीं आ रही, तो सब कुछ मंगाते हैं इंस्टामार्ट से। तो इंस्टामार्ट अभी मैं उठ गया था थोड़े पहले ही, मैंने स्टार्टिंग व्लॉग वगैरह स्टार्ट नहीं किया, बट मैंने इंस्टामार्ट से कुछ ऑर्डर कराई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह सुबह का नज़ारा देखो भाई, अब धूप आना तो ख़त्म ही हो गया, ऐसा लगता है साला कोहरा ही आ रहा है हर दिन का, सारा का सारा कोहरा। खैर हमारा इंस्टामार्ट वाला भी आने वाला होगा, दिखा रहा है बस 8 मिनट अगो। फिर खाना खाने उसके बाद ही चलेंगे, खाली खाना खाते हुए फिर वो आ जाएगा। इससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि पहले वही ले लेते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं अपना, फिर खाना खा लेंगे 8:30 बजे के आसपास, बहुत टाइम है। ये एक छोटी सी टपरी हमारे वहाँ, हरी भाई की टपरी, यहाँ पे चाय वगैरह समोसा वमोसा मिल जाता है, आजकल बंद है मतलब कभी खुलती कभी बंद। ये वही बिल्डिंग, ये है नीचे पार्किंग वगैरह का एरिया। और भाई ये कौन है, हे डॉगी, कुछ तो बहुत गहरी सोच में। मौसम तो अच्छा हो रहा है भाई, बट ठंडा है यार, कहीं जाने का भी नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी क्या होता। तो टडा गाइस, इस तरीके का कुछ यहाँ पर आया हमारा स्विगी इंस्टामार्ट की तरफ से। पेपर पैकेजिंग अच्छी लगी हमें, पेपर में पैकेजिंग आई है, ये ऊपर से बिल लटका के दे रखा है। इसकी अनबॉक्सिंग अभी हम आपको करके दिखाएंगे, फिलहाल टाइम देखते हैं कि भाई टाइम ज़्यादा ना हो जाए। तो टाइम हो रहा है 8:32, काफ़ी सही टाइम पे डिलीवर भी हो गया, मतलब इतनी कोई डिलीवरी भी इनकी लेट नहीं थी, सही है। बाकी इसके अंदर तो भाई नॉर्मल गुड्स ही होने वाले, मतलब स्नैक्स वगैरह ये सब चीज़ें। तो इसको अभी हम करेंगे, आके अनबॉक्स करेंगे तब देखेंगे सामान को, फिलहाल हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, लेते हैं हम अपना यही 1 एंड ओनली कप और चलते हैं। आज क्या रखा हुआ है भाई, चलो ठीक है। तो भाई खाना खा के तो हम आ गए हैं, और ये देखो हमारा इंस्टामार्ट का थैला, इसको हमने इसका जरा टेप पे बटा दिए। एवरीवन नीड्स ग्रॉसरीज बट नॉट एवरीवन नीड्स टू वेट फॉर इट, अच्छी टैगलाइन है। और ये देखो हमारा भरमार, सही है, हमारे लेज वगैरह आ रहे हैं इसमें, और क्या बिस्किट्स ओरियो बट अभी है, और क्या बनाया था, ये हमारी मैगी वगैरह, मैगी का मसाला है, और नीचे रखी हुई मैगी वगैरह, हाँ मैगी आई है, साथ ही में नमकीन वगैरह भी नहीं चल दी राम की दिख रही है, तो ये सभी हमने मंगाया था। बाकी देखो बिल आया हमारा, ये रहा इसका बिल, 569 का बिल बैठा है, जिसमें कि 100 रुपीज़ ऑफ का मुझे कूपन मिल गया था। तो मैं ठीक ही है, देखो यार बाहर जाके तुम ये सामान खरीदो तुम्हें मिलना यही है, मतलब ओवरऑल प्राइसिंग में 18 रुपये तुम्हारे नॉर्मली सेव हो गए थे,
तो ऐसा कुछ ही मिलता है यार, मार्ट वगैरह में जाओ तो 10-20 रुपए का या जो भी है ऐसे, इन चीज़ों में तो मतलब इस तरीके का कुछ खास डिस्काउंट मिलता नहीं है। तो ये मिल गया, बाकी 100 रुपए ऑफ मिल गए, तो ओवरऑल घर बैठे तुम्हें राहत सामान भी मिल रहा है। तो यार इंस्टा मार्ट का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और काफ़ी सही था। तो भाई आज तो पूरे दिन धूप अच्छे से आई नहीं, तो अभी यहाँ पर बच रहे हैं 4:13। तो अब जाके भाई आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहाया, मतलब 3:30 के आसपास शायद नहाया होगा। फिर तो थोड़े कपड़े वपड़े भिगा दिए धोने के लिए। और ये जो मैं आपको सुबह टपरी दिखा रहा था, अब लग रही है भूख, तो ये जो है हमको खुली सी लग रही है, तो चलते हैं वहाँ, कुछ खाते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या मिलता है। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा से चल रही है, मौसम देखिए बढ़िया मौसम हो रहा है। आओ चलते हैं टपरी पे। यहाँ पे लग रही है खतरनाक भूख और ठंड भी। देखो अंकल ने आग जला दी यहाँ पे, साथ ही मैगी वगैरह मंगाई है हमने, और तब तक हम खाते हैं समोसे को। तब ये ना के हल्की हल्की ठंड लग रही थी, क्योंकि मौसम पे धूप तो है नहीं, उसे भगाने का काम करेगी आग काफ़ी अच्छे से। तो आ गए हम वापस रूम पे। तो ओवरऑल हम हरी भाई के खाने का एक्सपीरियंस बताएं आपको, तो मैगी वॉज गुड, लेकिन समोसे भाई ठंडे तो जो भी है, चलो ठंडे हो रहे थे, बट मतलब वो मज़ा सा नहीं आया यार समोसे में, टू बी ऑनेस्ट। समोसे ज़्यादा अच्छे नहीं, या फिर बेकार ही बोल लो, बट समोसे में मज़ा नहीं आया, बट मैगी वॉज गुड। तो मैगी मज़ा आया, साथ में आग आग जली थी, तो बढ़िया करके हम खा के आए। साथ में ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, उसके बाद हमें कोई ओल्ड स्टूडेंट मिल गए थे, वो ऐसे ही यूनिवर्सिटी घूमने आए थे, तो बहुत अच्छे अच्छे पुराने पुराने किस्से बता रहे थे, तो वो सब सुन रहे थे और मजे से इन्जॉय कर रहे थे। तो थोड़ी देर लगभग आधा घंटा वहाँ गप्पे मारने के बाद हम आ गए वापस रूम पे, थोड़ा कर लेते हैं कुछ काम धाम।